नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम डील करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे बनाएं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फार बातें नहीं है, लेकिन फिर भी इसको शुरू करने से पहले हम सीख लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। वैसे हम बातें कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर भी रिकॉलिंग कर लेते हैं होता क्या है, इसे कैसे बनाना है, बनाते हैं क्या बातें ध्यान में रखनी है। देखिएगा जरा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर मैं बात करता हूं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये हो गया आपका टी शेप फॉर्मेट। यहां होती है डेबिट साइड और ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए देखो, लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ ही नहीं है, पहले से एक फॉर्मेट भी ड्रॉ कर देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है, सपोज 31 मार्च 19, ये है, ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मेट हो गया आपका। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट पैसे का आना, पेमेंट पैसे का जाना, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। बताया था मैंने आपको, कैश बुक डे टू डे बेस पे बनती है, किस दिन कितना पैसा आया, किस दिन कितना पैसा गया, किस दिन कितना पैसा बचा, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक एनपीओ का कैश बुक की तरह काम करता है। पूरे साल भर की एक बनता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, पूरे साल भर में कितना आया कितना गया। डेबिट व्हाट कम्स इन रिसिप्ट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, पेमेंट, पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा पेमेंट साइड, ठीक है ना, और रिसिप्ट साइड। ये मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे रिसिप्ट, यहाँ पे क्या आता है मेरे बेटा जी, ये आता है आपका रिसिप्ट आते हैं, लिखो पर्टिकुलर नहीं लिखते, और यहाँ आते पेमेंट, ये सब डेबिट साइड क्रेडिट साइड या फिर रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड भी कह सकते हैं, पेमेंट जाना रिसिप्ट आना, क्लियर ही नहीं है। और मेरे बेटा देखो जी, पैसे का आना और जाना देखना है, चाहे पैसे किसी भी ईयर का आए, तो मेरे बेटा देखो टू बैलेंस बी डी, दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर से, मतलब पहले से कितना पैसा हमारे पास है, हो सकता है ये कैश हो सकता है ये बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। यहाँ पे कैश का कॉलम बैंक का कॉलम अलग अलग नहीं बनता, जैसे कैश में बनता था, यहाँ एक ही होता है, ठीक है। टू डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी पैसा आया वो लिखो, जिस भी रीजन से आया, वो पैसा करेंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, और सक्सेडिंग ईयर आने वाले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर सक्सेडिंग ईयर, ये साल पिछला साल आने वाला साल, समझ गए। पैसा सिर्फ आ रहा है, चाहे वो किसी भी ईयर का आ रहा हो, कम से आने दो आने दो। नाउ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट पेमेंट, जब पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा ये करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, और आने वाले साल का भी हो सकता है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर सक्सेडिंग ईयर, किसी भी ईयर का पैसा जस्ट जा रहा है, जाने से मतलब है, चाहे वो किसी भी ईयर का जा रहा हो, पैसा जा रहा है, कैश हो चेक हो बैंक हो जो भी हो, ठीक है ना। पैसे का आना, पैसा पहले से कितना था, कितना आया और कितना गया, यहाँ पता लगेगा, बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, करेंट ईयर के एंड में कितना बच गया, करेंट ईयर के एंड में कैश और बैंक जो भी है, बस फिर टोटल और बात खत्म। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बी डी एंड सी डी, बात खत्म, इसके अलावा कोई दिमाग लगाना नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है और पूरे साल भर का बनता है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हर महीने बनता है, नहीं, पूरे साल का एक बनता है। यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं होता, ये डेट वाइज डे वाइज नहीं बनता, ये पूरे साल भर का बस बनता है, एक साथ आया गया बात खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर ही नहीं है। इस तरीके से मैंने कुछ क्वेश्चन को डिजाइन करा हुआ है, अब देखिएगा, बड़े बेसिक क्वेश्चन है और मैंने फॉर्मेट भी ड्रॉ करा हुआ है, जिससे हमारे लिए क्वेश्चन को करना और आसान हो जाए। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब, रेलवे क्लब का बना के दिखाना है, फॉर द ईयर 31 मार्च 19 को। तो देखो मैंने क्या लिखा है, रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2019 का, ठीक है ना, पूरे साल भर का। ये कौन सी साइड है डेबिट और ये कौन सी साइड है क्रेडिट, मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना, देखो बस आना और जाना देखना, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या लिखा है, पहला कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2018, भैया 31 मार्च एंडिंग है, 31 मार्च एंडिंग है, तो 1 अप्रैल 2018 क्या हो गई स्टार्टिंग बिगिनिंग, मतलब कैश इन हैंड पहले से इतना पैसा है, यानी कि क्या है, टू बैलेंस बी डी 4390, इतना पैसा पहले से है। सब्सक्रिप्शन पढ़ाया मैंने आपको, एक एनजीओ के पास सब्सक्रिप्शन चंदा आता है, अगेन डेबिट व्हाट कब से टू सब्सक्रिप्शन आ या, आप चाहे ये सब्सक्रिप्शन इस साल का हो, आने वाले साल का हो, ये पिछले साल को, भैया पैसा आ रहा, बात खत्म। डोनेशन, एक एनजीओ को डोनेशन मिलती है, डोनेशन से पैसा आता है, डोनेशंस कितने रुपए आए 8000 रुपये आए, डेबिट व्हाट कम से। एंट्रेंस फी, एक एनजीओ के पास भी एंट्रेंस फीस आती है, लोग एंट्री करने के लिए फीस देते हैं यहाँ, कितने रुपए 4300। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, एक एनजीओ ने अपने क्लब हॉल्स को क्या कर रखा है, किराए पे चलाया, तो रेंट मिला 5250। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या हो गए खर्चा, पैसा गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्या बात है 3440। टैक्सेस पे, एक एनजीओ ने अपने टैक्सेस पे करे, पैसा गया, कितने रुपए 490। सैलरी, सैलरी पे करी, पैसा गया 21500। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी की स्पेशल पेमेंट करी है, मतलब पैसा गया, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी गया, पैसे का जाना 2500। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन 2950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करवाई, पैसा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैसा गया, कितने रुपए 350। पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पैसा गया 310। मेरी बात क्लियर हो गई, आई बस में नहीं आई, क्या आएगा बाय बैलेंस सीडी, देख लो इतना था, इतना आया, इतना गया, कितना बचा, जो बचा वो निकल जाएगा, इतना था, इतना आया, इतना गया। ये जो मैं कर रहा हूँ मार्किंग, आप मत करना ये वाली मार्किंग, ठीक है ना, 4390 प्लस 37600 प्लस 8000 प्लस 4300 प्लस 5250 प्लस 2950 2950 माइनस करो कितना गया 3440 माइनस 490 माइनस 21500 माइनस 2500 माइनस 350 माइनस 900 माइनस 310 कितना बच रहा है 33000 क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। टोटल कर दो मेरे बेटा, ये टोटल करना भूल ना जाना, साथ निभाना। टोटल क्लियर है मेरे बेटा, आना जाना कितना बच गया। ऐसे आइए और लपालप और क्वेश्चन भी पकड़ लेते हैं मेरे बेटा जी, देखो क्या लिखा है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अगेन वही वाली बात है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग अगेन 31 मार्च 2019। देखो अब यहाँ पे देखो मजे की बात क्या है, टू बैलेंस बी डी पैसे का आना और जाना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, टू बैलेंस बी डी
एक तो कैश का दरख है और बैंक वाला दरख है, अलग अलग दरख है। ये दरख है 50 और ये दरख है 60। टोटल कितना पैसा आपका ओपनिंग 1,10,000। दो क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पैसा आया। देखो अगर आप देखोगे कौन सा ईयर का आ रहा है पैसा, 17-18 का, 18-19 का आ रहा है, 19-20 का आ रहा है। भैया किस ईयर का आ रहा हो, पैसा तो आ रहा है ना, 4 ये, 1,40 ये, 8 ये, टोटल कितना हो गया 1,40 प्लस 12, 1,52,000 रुपये टोटल लिखो जितना आ रहा है। फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। भैया जी देखो एक बता दो ना, आओ जरा एक बार दोबारा ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ और याद रखना मेरे बेटे जी, पैसे का आना और जाना देख रहे हैं। यहाँ पे पैसा दो पर्पज़ से जाता है, एक उधर रेवेन्यू, सॉरी दो पर्पज़ से आता है, रेवेन्यू पर्पज़ और कैपिटल पर्पज़। ऐसे ही दो पर्पज़ से जाता है, रेवेन्यू पर्पज़ और कैपिटल पर्पज़। या भैया क्या होता है भैया जरा बताओगे। देखो जी रेवेन्यू खर्चे वो खर्चे होते हैं जिनमें रूटीन में से पैसा निकलता है, रेंट देना है, सैलरी देनी है नहीं है, तो ये रेवेन्यू हो गए। बट कैपिटल, एसेट खरीदी है, मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो ये क्या हो गया मेरे बेटा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुल मिला के कुछ भी करो, रेवेन्यू खर्चा करो, कैपिटल खर्चा करो, पैसा तो जा रहा है ना, हमें सिर्फ पैसे का जाना देखना है कि पैसा जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई। जबकि यहाँ क्या देखते हैं मेरे बेटा जी, कभी कभार जो आता है वो कैपिटल, जैसे किसी ने डोनेशन दे दी स्पेशल पर्पज के लिए, वो कैपिटल है। और रोज़मर्रा जो मिलती है सब्सक्रिप्शन जो है वो नॉर्मल इनकम है, रेवेन्यू है। तो भैया कुल मिला के क्या देखना है, चाहे रेवेन्यू का पैसा आ रहा हो या कैपिटल वाला पैसा आ रहा हो, पैसा आ रहा है। बस पैसे का आना देखो और जाना देखो, कब, जब तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। अब जैसे यहाँ फर्नीचर परचेस करा है तुमने, बुलवाए ना, तो दिख दो भैया पैसा तो जा रहा है ना, पैसा तो जा रहा है ना, बस बाय फर्नीचर अकाउंट कितने रुपये मेरे बेटा जी, 70,000 रुपये। जर्नल डोनेशन, इनकी नॉर्मल डोनेशन, भैया डोनेशन तो मिलती है, पैसा आएगा, ये नॉर्मल आइटम है, रेवेन्यू इनकम है हमारी, कितने रुपये 20,000 रुपये। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये स्पेशल डोनेशन है, टूर्नामेंट ली गई है, बट पैसा तो आ रहा है ना, एक रेवेन्यू वाला है एक कैपिटल वाला है, हमें तो आने से मतलब है। जो जर्नल है वो रेवेन्यू है, जो टूर्नामेंट की डोनेशन है वो स्पेशल है, कैपिटल नेचर की है। चलो जी आगे चलते हैं, क्या लिखा है, चैरिटी शो। चैरिटी शो कराओगे तो पैसा जाएगा चैरिटी में। मैच के खर्चे करे हैं, पैसा जाएगा। देखिएगा, चलो जी चैरिटी शो, ₹10,000 मैच एक्सपेंस कितने रुपये हुए, दिख रहा होगा ₹30,000। चलो जी सैलरी दी है 63,600, ऑनरियम 4,000। और देखो सब खर्चा है हमारा, इन्वेस्टमेंट परचेज करिए तू भी, ये क्या है स्पेशल बाय 12% इन्वेस्टमेंट्स परचेज करिए, पैसा जाएगा ₹7,500। एंट्रेंस, अच्छा एंट्रेंस फीस में तो पैसा आता है, लोग क्योंकि पैसा देते हैं, एंट्रेंस फीस तो इनकम है, लोगों ने एंट्रेंस फीस दी है, कितने रुपये भैया, एंट्रेंस फीस ₹4,000 है। अच्छा जी इंटरेस्ट मिलेगा इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट करिए तो पैसा आएगा, नॉर्मल है 6,000। फिर यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी, कैश और बैंक, कैश का तो तुम्हें दे रखा है बट बैंक वाला गिवन नहीं है। चलो जी अब देखो मुझे ये निकालना है बैंक वाला,
मुझे ये पता लग जाए, हाँ है ना, इसमें तो ये हटा दूंगा, ये आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। चलो जी करते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालोगे? इतना था कितना बोलो, 110,000 प्लस जो आया हुआ ऐड कर दो, 152, 20, 40, 4000, ठीक है ना, देख के 6 minus 70, 10, 30, 63, 600 जो गया वो लेस कर दो, 4, 60, ये आया मेरे बेटे निकल के 94,400। अब 94,400 के अंदर ये 24 इंक्लूडेड है, 24 बाहर कर दो, कितना आया 70,400। ये बैंक बैलेंस है जो हमें गिवन नहीं था, हमने निकाल दिया। चलो जी अब टोटल की अमाउंट भर दो, 110, 152, 20, 40 ये 332, 332। बात क्लियर हो गई? अगेन भाई सिर्फ आना और जाना, ठीक है, रेवेन्यू कैपिटल ओर्थी के लिए हमने यहाँ पर आ जाओ जी। अब है क्या, फ्रॉम द, यहाँ लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। 31 मार्च 19 का क्या बनाना है बेटा जी हमें? अगेन वही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वही सेम आना जाना, वही सेम करो जी फिर शुरू। अगेन 1 अप्रैल का दे रखा है, 2 बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश वाला भी और बैंक वाला भी। कैश वाला है 50, बैंक वाला है 340, 3,40,000। टोटल कितना हो गया? 3,90,000। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, खिचड़ी मत बनाना, प्रेजेंटेशन देख के काम करना। सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन आया, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पैसा आ रहा है 15,70,000, 15,70,000 डोनेशन रिसीव, डोनेशन आ रही है, कितनी की आ रही है, 2,80,000 की। इन्वेस्टमेंट परचेस करी है, पैसा जाएगा कितना, 5,00,000 इन्वेस्टमेंट परचेस करी है। रेंट पे कराए, पैसा जाएगा कितना, 50,000। जर्नल एक्सपेंस पे करे हैं, पैसा जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में पैसा जाता है। पोस्टेज स्टेशनरी एक्सपेंस है, खर्चा है, पैसा जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, पैसा जाएगा, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 87,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ, देखो जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहा हूँ, आपने गड़बड़ नहीं करनी है, सेल करने से पैसा आता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और वैसे मैं आपको चेक करने के लिए था आप क्या करने वाले हो, मुझे तो पता था ही वैसे। हाँ जी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पैसा सेल करने से आएगा। बुक परचेज, बुक परचेस करोगे, बाय बुक्स, पैसा जाएगा, गोज आउट, ठीक है जी। स्पोर्ट्स मेडल परचेस, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, कितने भैया स्पोर्ट्स मेडल, 470। आगे बढ़ो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिला, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है ना 50,000 का। ऑनरेरियम टू कोचिस, पैसा गया, बाय ऑनरेरियम टू कोचिस कितना है, 1,50,000।
आगे बढ़ते हैं, अब क्लोजिंग दे रखा है कैश और बैंक, कैश का दे रखा है बाय बैलेंस सीडी, अगेन ऊपर वाली कहानी है, कैश दे दिया बैंक निकालना है, कैश कितने दे दिया 30, बैंक निकालना है, सेम प्रोसेस दर है, बोलो हाँ है ना। चलो जी करते हैं, 390 इतना था, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इतना था प्लस जो आया वो ऐड कर दो, 15,70,000 प्लस 280 प्लस 12 प्लस 50, ये हो गया आपके पास कितना टोटल 23,02, 23,02,000 माइनस 5,50,000, 230, 25, 87, 340, 470, 1.5 लाख, ये हो गया 4.5 लाख। अब 4.5 लाख में 30 इंक्लूडेड होगा, लेस कर दो 30, कितना बचा 4,20,000 निकल गया आपका बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है, आई वैसे भी नहीं आई, अगेन भाई पैसे का आना जाना, ठीक है। मैं फिर भी दोबारा बता देता हूँ, ये डे टू डे बेस की हमारी बुक नहीं है, बात क्लियर हो गई। ये पूरे ईयर एंड में एक बार वाली बुक बनती है, सिर्फ पैसे का आना और जाना देखो, चाहे पैसा करंट ईयर का आ रहा हो, प्रीवियस ईयर का आ रहा हो, सक्सेडिंग ईयर का आ रहा हो, ठीक है ना, और कैपिटल नीचे का पैसा आ रहा हो, कैपिटल नीचे का पैसा जा रहा हो, चाहे रेवेन्यू वाला पैसा आ रहा हो, रेवेन्यू नीचे का जा रहा हो, बात खत्म। सिर्फ पैसे का आना डेबिट करो, जाना क्रेडिट करो, ठीक है, और सीडी निकालो, बात खत्म, इतना सही है, ठीक है। 1% अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ये बोनस के पॉइंट पे होगा, जनरली आता नहीं है, लेकिन मुझे सिखाना तो मैंने कुछ सिखाया, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मेरे साथ बने रहेगा, मुझसे पूछते रहेगा। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, होप्स आपको वाला एपिसोड पसंद आया होगा, बैक टू बैक इसके एपिसोड और आएंगे, ठीक है ना, पूरी बातें पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करके जाऊंगा, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, ठीक है। आपके साथ हम एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर के साथ मतलब आप जो भी क्वेरी हो उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, बाकी आप अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में डाल सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट एपिसोड आपको किस कंसेप्ट पे, किस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे चाहिए वो मुझे बताइएगा, आपके लिए ही हूँ मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन बेटा एक बात रखना, आपके लिए वो वीडियो बनी है या नहीं बनी कैसे पता लगेगा आपको बताइए, दो बातें करनी है, एक तो पहले लाइक करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मैं जो दे पा रहा हूँ वो सही कंसेप्ट है, सही कंटेंट दे पा रहा हूँ, दूसरी बात आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं रहेगा, बेल आइकन दबेगी तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठोक दो, कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, लाइक हो जाना चाहिए। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू।